आज काफी समय के बाद आप लोगों के बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पंजाब के किसान, क्रांतिकारी और सोनीपत के निवासियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज मैं सबके बीच कोई भाषण देने नहीं आया, बल्कि अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक विचार आप सबके सामने रखने आया है, और वो विचार है अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन सिर्फ पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या उसके आसपास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत वर्ष की लगभग जितनी भी रियासतें हैं। दुनिया तो जवाहरलाल नेहरू से लाग रहे हैं मेरे ख्याल। हाँ दादा, वही है। हाँ जी, नेहरू जी तो हैं। बड़ा नाम सुना है भाई इनका। मिलकर आ रहा हूँ मैं। कि राष्ट्रीय नहीं अब अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन चुका। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? अरे पंडित जी से मिलना था भाई। पंडित जी से ऐसे नहीं मिल सकते। तो कैसे मिल सकते हैं? अरे बावड़ा हो गया क्या? पंडित जी अभी भाषण दे रहे हैं। तो क्यों हो गया भाई, एक गाना मैं भी सुना दूंगा। अरे सवेरे सवेरे अफीम कहाँ क्या रहे के? अरे भाई बड़ा नाम सुना है पंडित जी का। मैंने बहुत देखे। चल चल। अपना काम करके अपनी जीविका चलाते हैं, और मैं ऐसे गरीबों को दिल से सलाम करता हूं। और इन सबका टैक्स किसको जाता है? इन गोरों के खजाने में। दादा लक्ष्मी की आवाज है या तो बावड़ा रह गए। दादा लक्ष्मी की आवाज है। अरे भाई अरे सुनो तो। अरे भाई रुक जाओ। समदर्शी से होए ब्रह्म ज्ञानी, समदर्शी से होए ब्रह्म ज्ञानी, जिसने वेद विचारा। वो नहीं है, आपसे मिलने आया था जी, और मैंने भगा। अरे दिमाग खराब है, बुला के लाओ उसको। अभी लाओ जी, जाओ। समदर्शी से होए ब्रह्म ज्ञानी। कौन है ये? ये हमारे शेक्सपियर हैं जी, कबीर दास हैं जी, भविष्य वक्ता हैं जी, ये हमारे सांग सम्राट हैं जी। वो तो ठीक है, पर इनका नाम क्या है? पंडित लक्ष्मी चंद। पूरी फिल्म देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप।